hello welcome to our youtube channel today we are going to discuss the top chat gpt so here are the few table contents which we are going to discuss so let us start what is chat gpt so in chat gpt chat uh, and gpt stands for generative pre-trained transformer so ek ai chatbot auto or auto generative system open ai ne create kiya for online customer care it is a pre-trained generative chat which use, which make uses of nlp Natural language Processing. तो एक तरह का ही है ये AI के डेवलपर फाइन ट्यून्स फॉर ह्यूमन इंट्रैक्शन तो एक कन्वर्जेशनल मैनर में जैसे बातचीत हम करते हैं उस मैनर में वो पूरी चैट को वो बनाता है इफेक्टिवली इट इज सिमुलेटेड चैट बोर्ड चैट हम कह सकते हैं जो कस्टमर सर्विस के लिए डिजाइन किया गया है और इसे बहुत और पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं तो चैट जीपीटी वर्क करता है बाय गैदरिंग डाटा फ्रॉम द इंटरनेट रिटर्न बाय द पीपल और फिर उसकी कंप्यूटर प्रोडक्शंस को यूज करता है और क्वेश्चंस का आंसर देता है या जो क्यूरी का यूजर ने पूछी होती है उसको सॉल्व करता है तो कुछ इस तरह से कुछ दिखाई देता है आपका चैट जीपीटी सो so, अगर हम देखें तो चैट जीपीटी हमारा कुछ इस तरह से दिखता है उसका यूजर इंटरफेस ऐसा है यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताइए क्या कैपेबिलिटीज है और क्या उसकी लिमिटेशन है तो अगर यूजेस की बात करें तो जो मेन फीचर है चैट जीपीटी का वो है रिस्पॉन्स जनरेट करना जैसे एक ह्यूमन बींग करता है या एक ह्यूमन बींग आपको प्रोवाइड करता है सो so, ये सूटेबल है फॉर चैट चैट बोर्ड के लिए ए आई सिस्टम कन्वर्जेशन के लिए एंड वर्चुअल असिस्टेंट के लिए हो ये आपको एक नेचुरल आंसर्स देता है आपके क्वेश्चंस को एक कन्वर्जेशनल टोन में या फिर पोएम भी जनरेट कर लेता है स्टोरीज जनरेट कर लेता है जैसे आप उसको डिमांड करोगे उसके अलावा ये कोड्स लिख लेता है आर्टिकल लिख लेता है ट्रांसलेट कर लेता है डी बग लिख लेता है कोई स्टोरी या पोयम लिख लेता है लिरिक्स रिकमेंड करा देता है एंड टू मेक द ए कैरी आउट दिस डिमांड आपको सिर्फ क्या करना है अपनी कोई भी कमांड या आपको जो पूछना है उसको एक चैट बॉक्स में लिखना है तो हाउ वी कैन एसेस द चैट जीपीटी तो हम किस तरह से एसेस कर सकते हैं किस तरह से यूज कर सकते हैं हम उसे सिंपली यूज कर सकते हैं बाय विजिटिंग चैट ओपन ए आई डॉट कॉम और वहां पे अपना एक ओपन ए आई का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे हम उसे स्टिल यूज कर सकते हैं उसका ओल्ड यू आर एल जो है ओरिजिनल यू आर एल फॉर इज यूजर कन्वीनियंस एक बार आप साइन कर लो आप चैटिंग स्टार्ट कर सकते हो विद चैट जीपीटी अपनी कन्वर्जेशन आप जस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो या आपने कोई रिसर्च करना है या आपने कुछ पूछना है आपने जस्ट अपना क्वेश्चन टाइप करना है और आंसर आपको मिल जाएगा

तो so, अगर हम बात करें चैट जीपीटी वर्सेस गूगल सर्च तो दोनों सेम ही काम करते हैं अगर हम नॉर्मली भाषा में देखा जाए जिस तरह चैट जीपीटी टी पर हम लिख रहे हैं हमें वो भी, जो भी हमें आर्टिकल चाहिए उसका मटेरियल दे रहा है रिसर्च करनी है स्टोरी दे रहा है पोएम तो सर्च में भी यही होता है बट अगर हम डीप जाके देखें तो उसमें क्या डिफरेंस है तो वो हम डिस्कस करते हैं तो गूगल सर्च आपको हेल्प करता है आपके आंसर्स कुछ आंसर सजेस्ट करता है बाकी मतलब एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट देता है जो आपके क्वेश्चन से रेलिवेंट होगा और वो ऑप्शन वो आंसर्स आपको सजेस्ट करेगा On the other hand, Chat GPT आपको टू देगा, एक नेचुरल फ्लो में जिस तरह हम एक बुक को यूज करते हैं तो मच कम्पेरिजन तो अभी नहीं हुआ है तो जब वो Chat GPT को यूज करता है आंसर के लिए गेटिंग ए आंसर तो चैट जीपी टी एक रा टेस्ट है विद नो क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई भी अटैचमेंट कोई भी लिंक कि हमने कहां से reference नहीं है तो उसमें हमें सबसे पहले उसको वेरीफाई करना पड़ता है बल्कि जो गूगल है वो आपको लिंक्स के साथ देता है आंसर यू गेट ऑन गूगल वो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे वर्क करके एल्गोरिथम पे वर्क करके आपको एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देता है और उसमें mention होता है कि इसके क्या है तो हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटर्स विल डेफिनेटली मॉडिफाई इट इन द नियर फ्यूचर विद मोर फीचर्स कि वो गूगल सर्च के अगेंस्ट कम्पीट कर सके एडवांटेजेस की बात करें तो जब हम चैट जीपीटी यूज करते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द टास्क जिनमें हमें टाइम लगता है या जिनमें हमें ज्यादा मेहनत लगती है तो हम इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में अपने टास्क को कम्पलीट कर सकते हैं जो शायद मैनुअली करने में हमें बहुत टाइम लगता है सो so, ये हम जनरेट कर सकते हैं आइडियाज एंड कंटेंट और जो ऑटोमेट करते हैं मुंडेन टास्क जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं जैसे डेटा एंट्री कैटेगराइजेशन फ्री करना टीम्स का टाइम फॉर मोर इम्पोर्टेंट वर्क सो वन ऑफ द मेन बेनिफिट जो है चैट जीपीटी का वो है उसकी एबिलिटी कि आप रिस्पॉन्स जनरेट कर वो कोई थे? तो जब आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो फॉर वेबसाइट कंटेंट तो वो नेगेटिवली इम्पेक्ट नहीं करती है सीओ को एज लॉन्ग एज लॉन्ग आप उसमें आप जो भी यूजर्स है उनको एक पर्टिकुलर अच्छी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो जो डिसीजन है चैट जीपीटी को यूज करने का वो भी बे, वो इस पे बेस्ड होना चाहिए कि क्या नीड्स हैं क्या गोल्स हैं क्या टेक्निकल एक्सपर्टाइज है और क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है सो यट आई ऑलवेज से अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी तो फ्यू लिमिटेशंस जो हैं कि वहां पे आपको हमेशा चैट जीपीटी के कंटेंट में प्लेगविज्म का रिस्क रहेगा जो किसी भी कॉस्ट पे अनएक्सेप्टेबल होता है तो जब चैट जीपीटी जनरेट करती है कंटेंट क्विकली एंड एक्यूरेटली ऑन सिंपल टॉपिक्स तो कॉम्प्लेक्स आइडियाज और इश्यूज पे स्ट्रगल करना पड़ता है यूजर मस्ट कंसिडर की चैट जीपीटी स्टिल लर्निंग एक गोइंग प्रोसेस है अभी वो पूरा परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता है तो स्टिल मॉडिफिकेशन नेसेसरी है ऑल्थो ये भी एडवांटेजेस है अपनी कैपेबिलिटीज के रिगार्डिंग तो इट ऑल्सो मीन्स कि टूल्स कभी कभी तो बहुत एक्यूरेट और एपोपेट रिजल्ट जनरेट कर लेता है लेकिन कभी कभी फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी भी हो जाता है जो रिस्की होता है सो द लैक ऑफ वायलिलिटी इन कंटेंट जैसे अभी हमने बात की वो पर्टिकुलर सोर्सेज नहीं देता कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता आपको कई चांसेस में तो एविडेंट है कि वो एवर्स में लीड तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है काफी एवर्स होते हैं जो नेगेटिवली यूजर एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करते हैं सो द अदर लिमिटेशन इज उसमें यूजर सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग रिक्वायर है फाइन ट्यूनिंग चाहिए ताकि हम बेस्ट रिजल्ट uh, ला सकें एंड इट कैन बी बिकम मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर हायर टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो कभी कभी चैलेंजिंग होता है फाइनली जब द लास्ट लिमिटेशन जो हम बात करेंगे चैट जीपी एक ओपन सोर्स अवेलेबल टू एवरी वन है मतलब हर इंसान के लिए अवेलेबल है तो इसकी रिक्वायरमेंट जो एडिशनल रिसोर्सेज की जैसे कंप्यूटिंग पावर स्टोरेज पे इस वो भी एक टाइम के लिए एंट्री लेवल यूजर्स के लिए बैरियर क्रिएट कर सकती है सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर चैट जीपीटी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है जो ए आई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है जो आपको ह्यूमन ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन करने में हेल्प करता है मस्ट लाइक द चैट वर्ड ये लैंग्वेज मॉडल आपके क्वेश्चन को आंसर दे कर सकता है आपके टास्क में आपको असिस्ट कर सकता है मेल कंपोज कर सकता है ऐसे लिख सकता है कोड लिख सकता है ये आज के टाइम में बहुत अच्छी इनोवेशन इन्व, इन्व, है बट विद टाइम इसको और मॉडिफिकेशन चाहिए फॉर बींग ए परफेक्ट मॉडल थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग